हे गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, अभी ओलंपिक्स गेम चल रहे हैं भाई पेरिस में। और भाई इसीलिए मैं लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक मज़ेदार गेम भाई, जो कि ओलंपिक्स से रिलेटेड है। और भाई इस वाले गेम में हम लोग 12 स्पोर्ट्स में मास्टर्स बनने वाले हैं। और आपको तो पता है भाई, अपने इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पर ज़्यादा गोल्ड हमारे प्लेयर जीत नहीं पाते, क्योंकि ज़्यादा लोग जाते ही नहीं है भाई। इस बार जो है वो केवल 114 गए हैं जहाँ तक मुझे याद है। पर कोई बात नहीं भाई, मैं भी चाहता हूँ भाई अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना, पर भाई वो तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं एथलीट हूं नहीं भाई। तो कोई बात नहीं भाई, हम लोग गेम में अपने देश के लिए मेडल जीतने वाले हैं आज। तो चलो भाई, ज्यादा देरी ना करते हुए गेम प्ले शुरू करते हैं और भाई देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा भाई गेम होने वाला है। यो हो गाइस, तो आज हम लोग जीतने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा मेडल्स। तो ये रहा अपना गेम, और भाई ये अपना 2024 पेरिस ओलंपिक्स वाला गेम है। और यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा कंट्री है, मतलब कि यार लगभग सारी कंट्री ही ओलंपिक खेलने जाती है। तो भाई यहाँ पर लगभग हर एक कंट्री है, तो आप चाहे जो भाई कंट्री यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, कोई भी कंट्री, मतलब यार ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कोई भी चूज़ कर सकते हो। पर क्योंकि भाई मैं इंडियन हूँ, तो भाई एज अ इंडियन मैं अपनी इंडिया को ही चूज़ करूँगा। और जो इंडिया है भाई यहाँ पर नंबर 1 पे है भाई, आपको इंडिया का फ्लैग दिख जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर कन्फर्म करते हैं। और यहाँ पर भाई मैं नाम डालने वाला हूँ, तो मैं अपना ही नाम डालता हूँ, किसी और का नाम क्यों ही डालना। तो ठीक है, मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पर। और इसके बाद बढ़ते हैं भाई हम लोग आगे और देखते हैं भाई कि कौन कौन सा स्पोर्ट यहाँ पर होने वाला है जिसमें हम जीतने वाले हैं गोल्ड मेडल। तो भाई यहाँ पर 12 स्पोर्ट हैं टोटल, और यहाँ पर भाई हम लोगों को जीतना है और मास्टर बनना है इन 12 के 12 स्पोर्ट में। तो ठीक है भाई, देखते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। टैब 2 कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पर ये पहला स्टेडियम है भाई, ये किस चीज़ का स्टेडियम है? तो ठीक है, देखते हैं भाई, यहाँ पर ये अपना एथलीट है, ये अनलॉक हो चुका है, इसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर मेल और एक फीमेल भी है, तो फीमेल तो नहीं लेने वाले भाई, वैसे छोरा हो या छोरी भाई, गोल्ड तो गोल्ड हुए है, लेकिन भाई हम लोग जो है वो अपने छोरे को ही लेकर चलेंगे। और यहाँ पर भाई इसकी शक्ल भी हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, पर ठीक है यार, मेरे हिसाब से ये जो लगभग मेरी तरह दिखे वही, पर इसमें भाई मेरी तरह दिखने वाला कोई नहीं है। तो ठीक है, कोई भी चूज़ करते हैं, कोई मैटर नहीं करता ये। बाकी यहाँ पर इसकी हेयर स्टाइल देख लेते हैं भाई, तो हेयर स्टाइल तो जो है वो भी काफ़ी सही है। एक मिनट, यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरीके की हेयर स्टाइल्स हैं, तो ये वाला वैसे काफ़ी सही लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, पर ये वाला काफ़ी सही लग रहा है भाई। तो यही रखते हैं और देखते हैं भाई कि ये कौन सा गेम होने वाला है। और हाँ, यहाँ पर भाई हम लोग अपने हेयर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं। यार भाई काफ़ी कलर है यहाँ पर ये सही नहीं लग रहा है, अपना ब्लैक ही रखते हैं, या फिर ये वाला भी रख सकते हैं, नहीं ब्लैक ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैंने ब्लैक कर दिया है। और देखते हैं भाई यहाँ पर पहला जो गेम होने वाला है वो अपना कैसा होने वाला है, और क्या हम अपने पहले गेम में गोल्ड मेडल जीत पाएंगे या फिर नहीं। ये बता रहा है हम लोगों को कि कैसे खेलना है, हमें टैप टैप करना है अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, और हमें वो रेड वाले एरिया को टच नहीं करना है, ऐसा यहाँ पर ये बता रहा है। तो चलो ठीक है भाई, जो अपनी पहली रेस होने वाली है वो भाई 100 मीटर की रेस होने वाली है, जो अपना पहला स्पोर्ट होगा जिसमें हम लोग जीतेंगे भाई अपना गोल्ड मेडल। और ये भाई अपना क्वार्टर फाइनल होने वाला है, इसका मतलब क्वार्टर फाइनल होगा, फिर फाइनल होगा, नहीं फिर सेमीफाइनल होगा, फिर फाइनल होगा। तो ठीक है, यहाँ पर ये क्वार्टर फाइनल है, हम लोग रेडी हैं और यहाँ पर शुरू करते हैं भाई। बस थोड़ी ही देर में अपनी रेस शुरू होने वाली है, तो फोकस करते हैं भाई, जीतना है हम लोगों को कैसे भी करके। तो ठीक है, बस हम लोगों को यहाँ पर टैप टैप करना है, और भाई यहाँ पर जो है बस टैप टैप करते रहना। अपना प्लेयर वैसे भाई काफ़ी ज़्यादा आगे है, नंबर 1 चल रहा है अभी। और मुझे लगता है भाई यहाँ पर ये वाली रेस, ओ भाई ये वाली तो हम जीत गए हैं। चलो भाई, क्वार्टर फाइनल में हम लोग नंबर 1 आ चुके हैं और क्वालिफाई कर चुके हैं हम लोग भाई अपने सेमीफाइनल के लिए। तो चलो भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अपना सेमीफाइनल भी खेलते हैं। वैसे जब फाइनल हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि हमने गोल्ड जीता है या सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज। ये तो भाई अभी जो है वो हम लोग क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल जीत कर फाइनल में। तो चलो ठीक है, यहाँ पर एक रेड कलर का एरिया आ गया है भाई इस वाले बार में, तो वहाँ पर हमें नहीं जाना है। तो ठीक है भाई, टैप टैप करना है बस हम लोगों को। और यहाँ पर ठीक है, इस रेड वाले एरिया को हमें टच नहीं होने देना। ओ भाई साहब, वो जैसे ही टच हो जाएगा अपना प्लेयर स्लो हो जाएगा, तो ठीक है उसको नहीं टच होने देना है। पर मुझे लगता है, ओ चलो ठीक है भाई, इस बार भी हम लोग फर्स्ट आ चुके हैं भाई। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फाइनल में, और जो मेडल होगा भाई वो हम लोग फाइनल में जीतेंगे। तो भाई जैसे ही यहाँ पर भाई क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में मैं नंबर 1 आ चुका हूँ, तो हम लोगों को बस क्या करना है भाई कि फाइनल में भी नंबर 1 रहना है, ताकि हम लोगों को मिल सके गोल्ड मेडल। बाकी यार एक मेडल तो मैं जीत ही जाऊँगा। देखते हैं भाई, यहाँ पर रेड वाला एरिया जो है वो थोड़ा और बढ़ चुका है यहाँ पर, तो ठीक है उसमें टच नहीं होने देना है, बाकी तो हम लोग जीत सकते हैं। नहीं नहीं भाई, थोड़ा पीछे, एक मिनट भाई, थोड़ा पीछे चल रहा है। नहीं नहीं भाई, ओ भाई साहब जीत गए भाई, लास्ट मोमेंट पे अपना प्लेयर जो है वो
थोड़ा सा आगे की तरफ झुक गया भाई, जिसकी वजह से हम लोग जीत चुके हैं यहाँ पर अपना पहला गोल्ड मेडल। तो चलो देखते हैं भाई यहाँ पर मेडल सेरेमनी, देखते हैं भाई कि गोल्ड मेडल हम लोगों को पहनाया जाए, फिर हम लोगों को भाई इंडिया का राष्ट्रगान बजेगा भाई, अलग ही फीलिंग होगी भाई यार। चलो ठीक है, वैसे रियलिटी में ये सब भाई सभी कोई करना चाहता है पर कर नहीं पाता, तो गेम में ही भाई करके थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप लोग। तो ठीक है भाई, यहाँ पर जो है वो राष्ट्रगान तो नहीं बज रहा है पर हाँ कुछ तो बज रहा है पीछे। ठीक है, यहाँ पर पहला गोल्ड हम लोग जीत चुके हैं और अभी यहाँ पर न्यू इवेंट अनलॉक। एक मिनट भाई, अच्छा ये एथलेटिक्स में, अभी हम नोवाइस पे थे, इसके बाद एक्सपर्ट पे, फिर ऐसे मास्टर और प्रो, ये सारी चीज़ें हैं बाकी। ठीक है, यहाँ पर अभी अपना लेवल जो है वो अप हो चुका है और अपना जो नया स्पोर्ट होने वाला है वो होने वाला है भाई अपना आर्चरी। तो ठीक है भाई, इस बार हम लोग आर्चरी करने वाले हैं और देखते हैं भाई इसमें भी क्या हम गोल्ड जीत पाएंगे या फिर नहीं। 50 मीटर का आर्चरी है ये, मतलब 50 मीटर दूर से हम लोगों को निशाना लगाना है। तो चलो ठीक है, यहाँ पर अपना कैरेक्टर हमें फिर से चूज़ करना है, मतलब अलग स्पोर्ट के लिए अलग अलग कैरेक्टर होगा। तो इस बार हम लोग अपना यहाँ पर फीमेल चूज़ कर लें क्या? वैसे ये फीमेल जैसी लग नहीं रही, इसका हेयर स्टाइल और भाई चेहरे का जो है भाई पूरा फेस कट जो है वो भाई पूरा एकदम लड़के की तरह लग रहा है, तो इसको नहीं भाई, अपना लड़के को ही रखते हैं भाई, अपने मेल को ही रखते हैं। तो ठीक है, बाकी अपना कैरेक्टर सेम टू सेम रखते हैं भाई, हर एक स्पोर्ट में कैरेक्टर थोड़ी ना बदलेंगे, हेयर स्टाइल भी सेम रखते हैं। तो चलो ठीक है, यहाँ पर ये हो चुका है और अभी देखते हैं भाई कि दौड़ में तो भाई हम लोग जीत चुके हैं गोल्ड मेडल, क्या अभी निशानेबाजी यानी कि आर्चरी में भी हम जीत पाएंगे या फिर नहीं। और हमें भाई इसको खेलते वक्त ना ये भी ध्यान देना है कि हवा किस तरफ है, उसी हिसाब से अपनी जो भाई एरो होगी वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है। तो चलो ठीक है भाई, देखते हैं। यहाँ पर पहला है, इसमें भी क्वार्टर फाइनल है, तो क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल, फिर सेमीफाइनल से फाइनल और फिर उसके बाद हम लोग जीतेंगे मेडल। तो यहाँ पर भाई 1v1 होने वाला है, तो जो जीतेगा वो आगे क्वालिफाई करेगा। तो ठीक है भाई, यहाँ पर अभी इस बार तो हवा नहीं चल रही है, तो ठीक है मुझे सेंटर में मारना है केवल भाई। चलो ठीक है भाई, एकदम सेंटर में पड़ चुका है, तो 10 पॉइंट हम लोगों को मिल चुके हैं यहाँ पर। और ठीक है भाई, अगले राउंड में देखते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, इस बार फिर से हम लोगों को मिल चुका है 10 और भाई अपने अपोनेंट का टोटल 10 हुआ है और हम लोगों का टोटल 20 पॉइंट हो चुका है। देखते हैं भाई, इस बार फिर से 10 मिलना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, यहाँ पर छोड़ते हैं। ओ भाई साहब, फिर से हम लोगों को 10 मिल चुका है भाई, तीनों बार लगातार भाई 10 पॉइंट हम लोगों को मिला। तो ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है अपने सेमीफाइनल के लिए। तो ठीक है, इस बार भी हमारा है भाई अपने पता नहीं कौन से देश से है, पर हाँ भाई इस बार थोड़ी हवा चल रही है और हवा जो है वो नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब भाई अपना तीर थोड़ा डाउन हो जाएगा, तो हमें थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, सेंटर से एकदम थोड़ा सा ऊपर। ओ यार भाई साहब, थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, 9 पॉइंट मिला, कोई बात नहीं भाई, सामने वाले अपोनेंट का 7 पॉइंट ही है। तो ठीक है, देखते हैं इस बार हमें 10 पॉइंट लेना है कैसे भी करके। तो ठीक है, एक मिनट यार, इस बार फिर से हमें 9 मिला और सामने वाले को फिर से 7 मिल गया है भाई। अभी हम आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं और हम आसानी से जीत जाएंगे। ठीक है, इस बार मुझे 10 लेना है कैसे भी करके। तो ठीक है, छोड़ते हैं। ओ भाई साहब, इस बार 10 मिल चुका है। तो ठीक है भाई, ये वाला राउंड भी हम लोगों का क्लियर हो चुका है और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं भाई यहाँ से सीधा फाइनल में। और अभी भाई सिल्वर मेडल तो पक्का है भाई, अगर हार भी गए तो सिल्वर तो मिलेगा ही, बाकी जीतने का ट्राई करते हैं भाई, अगर जीत गए तो हम लोगों को मिल जाएगा एक और गोल्ड मेडल। और भाई इस बार हवा थोड़ी ज़्यादा तेज है और वही नीचे भाई पीछे की तरफ है हल्का। तो ठीक है, यहाँ पर करते हैं। ओ भाई साहब, एकदम भाई एकदम सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, पर हमको 10 पॉइंट मिल चुका है। तो ठीक है भाई, यहाँ पर अभी थोड़ा मुझे समझ में आ रहा है कि हवा चल रही है किस हिसाब से। तो ठीक है भाई, इस बार फिर से 10 पॉइंट हम लोगों को मिला है, लेकिन भाई सामने वाले अपोनेंट को भी 9 मिला है यार, थोड़ा ही पीछे। अगर मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया ना भाई तो हम लोग हार जाएंगे, पर ठीक है भाई, गड़बड़ होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ठीक है भाई, यहाँ पर अपना 30 पॉइंट और सामने वाले का 26 और हम लोग जीत चुके हैं एक और गोल्ड मेडल भाई। लगातार दो दो गोल्ड मेडल हम लोगों ने यहाँ पर जीत लिया है भाई अपने कंट्री के लिए। अब वो अलग बात है कि हमने केवल गेम में ही जीता है। और आप लोगों को क्या लगता है भाई कि टीम इंडिया जो अपनी है भाई वो कितनी ज़्यादा गोल्ड मेडल यहाँ पर जीत पाएगी, कमेंट में आप लोग जरूर बताना। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना भाई, कि मुझे लगता है भाई इस बार 4-5 गोल्ड मेडल तो आ ही जाएगा, लास्ट टाइम शायद 2 आया था, तो मुझे लगता है इस बार भाई 5 से ज़्यादा ही आना चाहिए। एक तो अभी ब्रॉन्ज मेडल हम लोग जीत चुके हैं भाई वो शूटिंग वाले में। तो ठीक है, अभी फिलहाल अपने गेम पर आते हैं भाई। यहाँ पर हम लोग का लेवल अप हो चुका है और इस बार जो है वो हम लोगों का नया स्पोर्ट खुल चुका है अपना फेंसिंग। फेंसिंग मतलब क्या है भाई? एक मिनट, ये फेंसिंग का मतलब क्या होता है यार? ये तो मुझे नहीं पता। और ये अपना कैरेक्टर जो है वो अनलॉक हो चुका है और भाई ये कुछ अजीब टाइप पे भाई अपने चेहरे पर भी लगा रखा है इसने एक मास्क।
तो ठीक है, इसको मैंने बिल्कुल भी कस्टमाइज वगैरह कुछ किया नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं। ओ भाई साहब, यहाँ पर ये तलवारबाजी है, तो ठीक है, यहाँ पर ये जो जा रहा है भाई, यहाँ पर बस हमें इस पर टैप करना है और जो अपना प्लेयर है भाई वो सारी चीज़ें कर देगा। बस हमको टाइमिंग का ध्यान रखना है भाई, सही टाइम पे यहाँ पर जो है वो इस पर टैप करना है, वरना दिक्कत हो जाएगी, हम हार जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फी वही है भाई, क्वार्टर फाइनल, फाइनल और सेमीफाइनल। तो ठीक है, पहले क्वार्टर फाइनल में हम लोग आ चुके हैं और देखते हैं भाई सामने वाले अपोनेंट को कितना खतरनाक है। तो ठीक है, बस हमें यहाँ पर टैप करना है एक फिर से और भाई टाइमिंग का ध्यान रखना है। ठीक है भाई, बढ़िया टैप हो रहा है यहाँ पर, तो चलो ठीक है भाई, यहाँ पर बढ़िया हो चुका है भाई और हम लोग जीत चुके हैं बहुत ही आसानी से। पर भाई एक मिनट भाई, सामने वाले को तो लगी भी नहीं इतनी आसानी से, इतनी जल्दी कैसे जीत गए हम लोग। चलो खैर, क्या ही है भाई, मतलब गेम है तो इतना तो हो गई। बाकी ठीक है, सेमीफाइनल हम लोग पहुंच चुके हैं, देखते हैं भाई इस बार भी हमें। ओ भाई, इस बार दो दो लाइन यहां पर चल रही है, तो ठीक है हमें जल्दी जल्दी करना होगा। ठीक है यहां पर, और ठीक है मिस नहीं करना है भाई एक भी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। एक मिनट भाई, एक तो मिस हो गया, कोई बात नहीं भाई, फिर भी यहां पर हम लोग जीत चुके हैं भाई अपना सेमीफाइनल भी, और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपने फाइनल में। तो चलो देखते हैं भाई, यहाँ पर अभी हमारा फाइनल होने वाला है भाई न्यूजीलैंड के साथ, तो भाई न्यूजीलैंड को तो हराना ही पड़ेगा भाई, ये तो अपनी क्रिकेट में भी राइवलरी है इसकी। और ठीक है भाई, हॉकी में भी अभी हम लोगों ने न्यूजीलैंड को हराया, तो ठीक है यहाँ पर भी हम न्यूजीलैंड को हरा कर गोल्ड मेडल जीतेंगे। तो ठीक है बढ़िया, बस टाइमिंग पर हमें ध्यान देते रहना है। तो ठीक है, एक मिनट भाई, यार एक तो मिस हो गया, पर ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर दो मिस हुआ पर मुझे लगता है, ओ भाई हम लोग जीत चुके हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर हम लोग जीत चुके हैं बहुत ही आसानी से भाई, एक और गोल्ड मेडल। और भाई यहाँ पर मेडल्स की ना हैट्रिक लग चुकी है भाई, यार तुम्हारा भाई यार एकदम एक नंबर है भाई, यार कम से कम यार रियल लाइफ में नहीं तो कम से कम गेम में ही भाई हैट्रिक मार दी मैंने भाई गोल्ड मेडल की, और नंबर वन पे केवल इंडिया 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 ही है। तो ठीक है भाई, अभी हम लोग करने वाले हैं भाई शूटिंग, और देखते हैं भाई क्या इसमें भी हम लोग गोल्ड मेडल जीतेंगे या फिर नहीं। वैसे यार सारे स्पोर्ट अभी ना थोड़े इजी वाले हैं, पर जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई, यहाँ पर प्रो भी आएगा और भाई उसके बाद फिर मास्टर वाला लेवल भी आएगा, तो सारे में हमको भाई गोल्ड मेडल जीतना है कैसे भी करके। तो ठीक है, यहाँ पर भाई ये भी जो है वो 1v1 होने वाला है और हम लोग क्वार्टर फाइनल में हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हमें बस जो है वो शूट करना है, हमें दो ही चांस मिलेगा। तो ठीक है, यहाँ पर ये जा रहा है भाई ये वाला प्लेट, इसको करते हैं शूट। तो ठीक है भाई, लग गया पहला वाला तो लग गया, और देखते हैं भाई दूसरा प्लेट ये जा रहा है, तो चलो ठीक है भाई इसको भी लग गया। तो ठीक है भाई, अभी देखते हैं यार तीसरे नंबर का जो है भाई ये इधर जा रहा है। तो ठीक है भाई, तीन राउंड होने हैं, तो एक ये और एक ये। ओ भाई साहब, चलो ठीक है, यहाँ पर दो राउंड हमने क्लियर कर लिया, ये तीसरा वाला राउंड देखते हैं भाई साहब, यहाँ पर ये जा रही है एक प्लेट। एक मिनट भाई, मिस हो गई, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। यहाँ पर भाई मैंने 6 में से 5 निशाने लगा दिए हैं, और ठीक है सबसे ज़्यादा मैंने ही लगाया है। तो ठीक है, क्वालिफाई हम लोगों ने कर लिया है भाई अपने सेमीफाइनल्स के लिए। तो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई कि इस बार सेमीफाइनल में क्या होने वाला है भाई। यार क्वार्टर फाइनल में तो एक मिस हो गया था, चलो देखते हैं भाई इसमें एक भी मिस नहीं करेंगे भाई, कैसे भी करके बहुत ध्यान देना है। तो ठीक है, ये इधर से जा रहा है, एक मिनट भाई मिस, ओ तेरी की भाई, लगातार 2 शॉट हम लोगों का मिस हो चुका है भाई यहाँ पर। कोई बात नहीं भाई, अभी 4 मौके और हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर चलो ठीक है, एक तो लग गया, इसके बाद दूसरा ये इधर है। चलो एक मिनट यार, ये भी मिस हो गया भाई, लगता है इस बार मैं भाई आउट हो जाऊंगा क्या। एक ही लगा है भाई अभी तक, तो ठीक है यहाँ पर चलो ठीक है 2 लग चुका है, और ये एक मिनट यार भाई 6 में से केवल 2 ही सही लगे। ठीक है ठीक है भाई, पर फिर भी हमने क्वालिफाई तो कर लिया है यार, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाती है अभी। तो चलो ठीक है भाई, अभी हम लोग फाइनल तो पहुंच चुके हैं और इस बार मुझे ध्यान देना है भाई, सेमीफाइनल में तो बहुत गड़बड़ हो गई, अगर ऐसी हुई भाई तो मुझे लगता है कि हम लोग हार जाएंगे। तो चलो ठीक है, यहाँ पर पहला तो लग चुका है भाई, और दूसरा वाला इधर आ रहा है, तो ठीक है एक मिनट भाई, ये मिस हो चुका है, कोई बात नहीं, चलो फिर से देखते हैं भाई। यहाँ पर ये इधर से आ रहा है, ठीक है ऊपर अभी करते हैं। ओह चलो ठीक है भाई, लग गया, बढ़िया बढ़िया। इसके बाद भाई यहाँ पर एक, चलो ठीक है भाई, यहाँ पर 4 में से 3 हिट हम लोगों की लग चुकी है, और देखते हैं भाई कि इस बार क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ये अगली, चलो ठीक है भाई, ये भी लग गया 4, और भाई ये लास्ट वाला, चलो भाई साहब यहाँ पर 5 लग चुके हैं 6 में से, और हम लोग जीत चुके हैं फिर से भाई अपना एक और गोल्ड मेडल। और भाई सेमीफाइनल में हम लोगों ने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी जल्दबाजी करके, पर कोई बात नहीं भाई, फाइनल में यहाँ पर हमने काफ़ी तगड़ा परफॉर्म किया और हम लोगों को भाई मिल चुका है एक और गोल्ड मेडल टीम इंडिया के नाम। तो ठीक है भाई, यहाँ पर ये गेम प्ले को रोकते हैं भाई, हमने जो है वो आज हमने 3 या 4 गोल्ड मेडल जीता है, और भाई आगे हम लोग और भी ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं भाई। आप लोगों को ये गेम कैसा लगा भाई, मज़ा आया हो तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर भाई आगे भी ये गेम प्ले देखना चाहते हो तो भाई जो है कमेंट करना पार्ट 2, मैं अगला वीडियो भी, अगला पार्ट भी बना दूंगा।